ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपकी बुद्धि कुछ भी सोचने पर मजबूर ही नहीं होती, कुछ सोच अच्छा सोच ही नहीं पाते, दिमाग काम नहीं करता, किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता, खुद से बहुत नेगेटिव फील करते हैं, खुद पर यकीन नहीं है, दुनिया को देखकर खुद को देखकर ऐसा लगता है कि अभी तक हमारी लाइफ में हमने कुछ किया ही नहीं, हमारे साथ चीज़ें खराब चल रही है। और इतनी नकारात्मकता वे में, इतनी नेगेटिव वे में आप खुद को समझ लेते हैं कि कभी ना कभी आपको ऐसा लगता है कि कहीं किसी ने हमारी बुद्धि तो नहीं बांध दी, कहीं किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ कर तो नहीं दिया। और आपके मन में बहुत नकारात्मकता, एकदम चीज़ें इतनी नकारात्मक हो जाती कि आप सोचना, समझना, विवेक, बुद्धि, सब चीज़ें शून्य हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात समझ लें। इसके पीछे मूल कारण जो है, किसी भी जातक के साथ इस तरह की परिस्थिति आने का मूल कारण है बहुत ज़्यादा सोचना, उसके व्यक्तिगत हालात, आर्थिक हालात, और वो जो चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, वो गलत नज़रिए से देख रहा है। ये सभी भ्रमजाल एक साथ किसी भी व्यक्ति के साथ क्रिएट होना राहु से इंडिकेट करता है। सीधी सी बात है कि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है या राहु की अंतरदशा चल रही है और राहु के आप किसी न किसी फेर में फंस चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में ज़्यादा सोचना बंद करें। दूसरी बात है, अपने गुरु को सेंट्रलाइज करें, मतलब अपने गुरु की बातों को, आज्ञा का पालन करें, किसी मेंटोर को करें, न गुरु बना पाए, किसी मेंटोर की बातों को पालन करें कि उन्होंने कह दिया वैसी चीज़ें करना है। तीसरी बात है, कोई भी बड़ा फैसला स्वयं को नहीं लेना है और मूल रूप से खुद को खाली नहीं रखना है। आप जितना खुद को खाली रखेंगे उतना राहु एक्टिव होगा और आपको इतनी नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द कर देगा कि आप सोचना और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। और एक निवेदन है कि इस तरह के कोई झाड़ फूंक या कोई कहता है आपको बांध दिया, ये तमाम जितनी सारी एक नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, ऐसे लोगों से दूर रहें। ये लोग आपसे आपको एक अलग वे में डाल देंगे। ऐसे ही हमारे आर्थिक हालात खराब है, हम मानसिक रूप से चीज़ें खराब है और इस तरह की चीज़ों में जाकर आप और परेशान हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है, ऐसी सब चीज़ों से बाहर रहें। आप हो सके तो मानसिक रोगी डॉक्टर से बात करें और